दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच WPL का रोमांचक मैच देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई की टीम लगभग हार चुकी थी मुकाबला, तो यास्तिका भाटिया और हिली मैथ्यूज ने मिलकर अंतिम ओवर में ले जाकर पलटकर रख दिया पूरा मैच। फिर नेट सीवर बंट ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर ऐसे जिताया मुकाबला की देख सभी की धड़कने हो गई तेज। तो दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट आपको यहाँ बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली और मुंबई में से आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि WPL के मुकाबले दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा रोमांचक होते चले जा रहे हैं, और आज मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम की कप्तान मैग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन दोस्तों उन्हें भी क्या पता था कि डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम पर मुंबई की टीम इस दिल्ली की मजबूत टीम को मात्र 105 रन पर ही रोक देगी। और यहां पर दिल्ली की टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाए और मुंबई इंडियंस की टीम को लक्ष्य मिला 106 रनों का। लेकिन दोस्तों, एक समय पर तो लग रहा था कि मुंबई की टीम आसानी से इस लक्ष्य पर पार पा लेगी, लेकिन मैच जा पहुंचा अंतिम ओवर में। और इस मुश्किल पिच पर हुआ ये कि जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी, तो मैग लैनिंग और सैफ अली वर्मा ने पारी की शुरुआत की, जहां दूसरे ही ओवर की छठी गेंद पर सैफ अली वर्मा के रूप में दिल्ली कैपिटल्स को पहला बड़ा झटका लगा, जहां सैफ अली वर्मा 6 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुई और साइका इशाक ने उनका विकेट गिराया, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो स्कोर कार्ड में। लेकिन दोस्तों, सैफ अली वर्मा के आउट हो जाने के बाद फिर एलिस कैप्सी से पूरे दिल्ली के दर्शक उम्मीद लगा बैठे थे, लेकिन दोस्तों एलिस कैप्सी भी 7 गेंदों में मात्र 6 रन ही बना पाई, जिसके चलते यहां 2 बड़े झटके 24 रन के कुल स्कोर पर दिल्ली की टीम को लग चुके थे। अब एलिस कैप्सी और सैफ अली के आउट हो जाने के बाद उतरी मैरिजा ने काप भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाई और इसी वोंग ने उनको बोल्ड आउट करके चलता किया, जो कि 4 गेंदों में मात्र 2 रन ही बना सकी। और ये 3 बड़े झटके अब दिल्ली की टीम को लग चुके थे और अब यहां पर पूरा दारोमदार जमायमा रॉड्रिगिस और मैग लैनिंग पर था, जहां मैग लैनिंग तो एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी और 41 गेंदों में 43 रन भी बना चुकी थी, लेकिन यहां पर साइका इशाक ने उनको बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और यहां कवर्स में हरमनप्रीत कौर ने उनका शानदार कैच लपक लिया, जिसके चलते यहां पर दिल्ली की टीम को ये सबसे बड़ा झटका लगा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जमायमा रॉड्रिगिस ने आज 25 रन बनाए, जिसके चलते दिल्ली की टीम 84 रन के कुल स्कोर पर 5 बड़े विकेट अपने गंवा चुकी थी। अब दिल्ली की टीम कमजोर पड़ती चली जा रही थी। यहां पर जेस जोनासन ने मात्र 2 रन बनाए, तो वहीं तानिया भाटिया 4 रन बनाकर आउट हुई और फिर तो एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और दिल्ली की टीम यहां 18 ओवर तक ही बल्लेबाजी कर पाई और अपने 10 विकेट गंवाकर 105 रन बनाए। और मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट आज के इस मुकाबले में साइका इशाक को मिले, जिन्होंने 3 ओवर फेंकते हुए 13 रन देकर 3 बड़े विकेट लिए, तो वहीं इसी वोंग ने 4 ओवर फेंकते हुए 10 रन देकर 3 विकेट लिए और हिली मैथ्यूज को भी 3 बड़ी सफलताएं हाथ लगी। और दोस्तों, अब दिल्ली की टीम के 10 विकेट चटकाने के बाद बारी थी मुंबई की टीम की, जहां मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए यास्तिका भाटिया और हिली मैथ्यूज उतरी। यहां पर हर किसी को लग रहा था कि मुंबई की टीम आसानी से इस मैच को जीत जाएगी, क्योंकि स्कोर तो इतना कम है, और ऐसा ही होता हुआ पहले ओवर में नजर भी आया, क्योंकि दोस्तों यहां पर यास्तिका भाटिया ने पहले ही ओवर में 10 रन जड़कर दिल्ली की टीम को चेतावनी दे दी थी कि वो इस मैदान पर आज क्या रुख अपनाने वाली है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के गेंदबाजों ने भी यहां पूरी कोशिश की यास्तिका भाटिया और हिली मैथ्यूज को आउट करने की, लेकिन दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज तो पहली ही गेंद से छक्के चौके की बरसात करते हुए मैदान पर आए थे और यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ऐसे ही जारी रही, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी को तो अंजाम मात्र 32 गेंदों में ही दे दिया था। और दोस्तों, फिर ये कहां रुकने वाले थे, इन्होंने आगे अपनी ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी, जहां यास्तिका भाटिया ने 8 चौकों की मदद से अपनी पारी में 41 रन भी पूरे कर लिए थे। मुंबई की टीम का कोई भी विकेट गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा था। यास्तिका भाटिया एक तरफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिली मैथ्यूज भी कहां पीछे रहने वाली थी। दोनों ने यहां मुंबई की टीम की पारी को संभाल कर रखा और इस बीच स्कोर जा पहुंचा 100 रनों के करीब। लेकिन दोस्तों, यहां पर पहला बड़ा झटका तारा नॉरिस ने यास्तिका भाटिया को LBW बोल्ड आउट करके दिया। और दोस्तों, यहां पर मुंबई की टीम की तरफ से यास्तिका भाटिया 32 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुई और 8 चौके इस बीच उन्होंने लगाए। तो वहीं यास्तिका भाटिया के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरी नेट सीवर बंट, जहां आज के इस मुकाबले में हिली मैथ्यूज और नेट सीवर बंट ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, जहां मुंबई की टीम को अब 60 गेंदों में 41 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, यहां से दिल्ली की टीम ने पूरा मैच पलट कर रख दिया। एक तरफ जो मुंबई की टीम जीत की दहलीज पर खड़ी हुई थी, अब वही टीम मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि यहां पर दिल्ली के गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से मुंबई की टीम को बैकफुट पर ढकेला और इस बीच मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा, जैसा कि आप यहां पर देख भी
भी सकते हो और यहाँ हरमनप्रीत कौर, एमिलिया केर, पूजा वस्त्रकार, इसी वोंग की पारी भी। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले के अंतिम ओवर के रोमांच के बारे में, और आप मुंबई की टीम को आज के प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।